नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती के छोटे छोटे टिप्स वीडियो में। हमारे आज के वीडियो का विषय है भिंडी का पीला शीरा मोजेक रोग। भाइयों, भिंडी में लगने वाली येलो वेल मोजेक डिजीज यानी पीला शीरा मोजेक रोग एक वायरल बीमारी है जो सफेद मक्खी से फैलती है। इसकी वजह से भारत के भिंडी उत्पादन में तकरीबन 32-95% का नुकसान होता है। भिंडी के पीला शीरा मोजेक रोग का लक्षण, रोग की शुरुआती अवस्था में पत्ती की शिराओं का पीला पड़ना और बाद में इस पीलेपन का पूरी पत्ती पर छा जाना ही इस रोग का सबसे बड़ा लक्षण है। इस रोग के गंभीर संक्रमण में पत्तियां पीली, आकार में छोटी और फिर चितकबरी होकर प्याले नुमा हो जाती हैं। फल भी हल्के पीले, विकृत और कठोर हो जाते हैं। पौधे के विकास के किसी भी चरण में यह संक्रमण शुरू हो सकता है। भिंडी के पीला शीरा मोजेक रोग के प्रबंधन के लिए आप पीला शीरा मोजेक रोग की प्रतिरोधी किस्में जैसे सयाची 2211, संकर भिंडी का चयन करके रोग की घटनाओं को कम कर सकते हैं। फसल चक्र का पालन करें, संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें, खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें, नीम की खली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज के अंकुरण के समय और बुआई के 30 दिन बाद नीम बीज पाउडर 4% या 1% नीम तेल का छिड़काव करें। रोग की शुरुआती अवस्था में रस चूसने वाले कीटों से बचाव के लिए बीजों को इमिडाक्लोपिड या थायामेथोक्सोम द्वारा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कीट का प्रकोप अधिक लगने पर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25% ईसी या डायमेथोएट 30% ईसी की 5 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में या इमिडाक्लोपिड 17.8% एसएल या एसिटामिप्रिड 20% एसपी की 5 मिली प्रति ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और जरूरत पड़े तो इस दवा को दोबारा डालें। किसान भाइयों, अगली बार हम फिर आपके लिए खेती की एक नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। कृपया सयाजी सीड्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।